गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन फ्रेमिंग, जिसमें यस नो टाइप क्वेश्चंस और जो कारण बताने वाले, तथ्य बताने वाले जो क्वेश्चंस हैं, उनको किस प्रकार से फ्रेम किया जाता है, किस प्रकार से बनाया जाता है, उनका पैटर्न क्या होता है, किस प्रकार का आंसर अपने सामने हो तब किस टाइप का प्रश्न बनेगा, तो दोनों प्रकार मैंने बताए जिसमें। और उसके बाद कुछ वाक्य जो है वो प्रैक्टिस के लिए मैंने डाले थे। अब उसके बाद क्वेश्चन फ्रेमिंग के बाद में आपके टॉपिक है, एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है, कनेक्टिव्स कहते हैं। कनेक्टिव्स, दूसरे शब्दों में इसको कहेंगे कंजक्शंस, एक ही बात है, कंजक्शंस या कनेक्टिव्स, और हिंदी में इसको कहते हैं समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, कनेक्टिव्स, कनेक्टिव्स का मतलब जोड़ना, कनेक्शन करना, जोड़ना, संपर्क स्थापित करना। तो सबसे पहले हम कनेक्टिव्स डेफिनेशन, इसकी परिभाषा, उसके बाद आपके कोर्स में वैसे बहुत सारे कनेक्टिव्स होते हैं, लेकिन उनको हम आगे बड़ी क्लासों में जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उनका अध्ययन करते जाएंगे, लेकिन आपके लिए जो है वो कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं, आपके सिलेबस में कौन कौन से हैं, उनको हम एक एक करके जानेंगे। समझाने के लिए कुछ उदाहरण दिए हैं मैंने, उसके बाद एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम इन कंजक्शंस को जो है वो कम्प्लीट करेंगे, उनको बनाना सीखेंगे, वाक्य में किस प्रकार से कंजक्शन लगाया जाता है इस बात को समझेंगे हम। तो स्टार्ट करता है, सबसे पहले जो है वो कनेक्टिव्स कैसे कहते हैं, किसको है, सॉरी, कनेक्टिव्स किसको कहा जाता है, उसका कार्य क्या होता है, और फिर कुछ कनेक्टिव्स, और उसके बाद जो है वो उसके उदाहरण, और फिर एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कनेक्टिव्स, सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखा है, कनेक्टिव्स आर द वर्ड्स, कनेक्टिव्स आर द वर्ड्स विच यूज टू कनेक्ट टू वर्ड्स, फ्रेजेस और द सेंटेंसेस। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हिंदी में इसको कहना चाहे तो समूचे बोध शब्द वे शब्द हैं जो जोड़ने के लिए उपयोग किए जाते हैं, इनको दो शब्दों को या दो उपबंधों को या दो सेंटेंसेस या वाक्य। तो इसका मतलब अपन इसको आसान तरीके से हिंदी में इस प्रकार से कहेंगे, समूचे बोधक वे शब्द होते हैं जो वाक्य में दो शब्दों, दो उपबंधों या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। मतलब जिस शब्द का प्रयोग दो शब्दों, दो उपबंधों या दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है, वह शब्द जो है वो समूचे बोधक या कनेक्टिव कहलाता है। तो इससे हम ये समझे कि इस कनेक्टिव का, इस कंजक्शन का कार्य ये होता है
ये वाक्य में या तो दो शब्दों को जोड़ता है, या तो दो शब्दों को जोड़ता है, या दो उपवाक्यों को, उपबंधों को, फ्रेजेस जिसको कहते हैं उनको जोड़ता है, या फिर ये दो सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करता है। तो कार्य इसका मुख्य है जोड़ना, चाहे वो दो शब्द हो, दो फ्रेज हो, या दो सेंटेंसेस। ठीक है, तो ये होते हैं कनेक्टिव्स। ठीक है, आपके कनेक्टिव्स जो है उसमें एक है सो और बट, नाइदर नॉर और बोथ एंड, ये आपके जो है वो कनेक्टिव सिक्स क्लास में है। ठीक है, मैंने उदाहरण दिया है कि ये दो शब्दों को किस प्रकार से जोड़ते हैं, दो फ्रेजेस को किस प्रकार से, और दो वाक्यों को किस प्रकार से, तो अलग अलग तीनों का एक एक उदाहरण दिया है। ये एक शब्द है विजय और ये एक शब्द है नरेश, इसको जोड़ रहा है एंड, विजय एंड, विजय और नरेश आर फ्रेंड्स, ये दोनों जो है वो मित्र हैं। तो जोड़ने का कार्य विजय और नरेश को कौन कर रहा है, एंड, और एंड क्या है कनेक्टिंग, तो ये जो है किसको जोड़ रहा है वर्ड्स को, किसको जोड़ रहा है टू वर्ड्स को, दो शब्दों को जोड़ रहा है। दूसरा देखिए, दे आर गोइंग टू मार्केट, दे आर गोइंग टू मार्केट और द फिक्स, ये फ्रेज है, ये भी फ्रेज, क्योंकि दे आर गोइंग टू मार्केट, वे बाजार जा रहे हैं या खेतों में जा रहे हैं, या तो बाजार जा रहे हैं या खेतों में जा रहे हैं। तो ये उपवाक्य इसलिए है कि ये जो है इसी के बारे में जो सब्जेक्ट दे हैं, इसी के लिए ये द फ्रेज किया है, मतलब दोनों एक ही वाक्य के भाग, अलग अलग वाक्य ये नहीं है, दोनों एक ही वाक्य के भाग है और ये और से जुड़े हुए हैं, ये इसलिए फ्रेज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं फ्रेज, ये किसको जोड़ने का कार्य करे, दो फ्रेजेस को जोड़ कौन रहा है और। ठीक है, तो और क्या है कनेक्टिव्स। उसके बाद में देखिए, मोन इज फैट बट हिज ब्रदर इज किंग, मोन इज फैट कंप्लीट वाक्य, मोन इज फैट कंप्लीट वाक्य, हिज ब्रदर इज किंग, ये भी कंप्लीट, दोनों वाक्य जो पूर्ण है और इसको जोड़ रहा है बट, तो बट जो है कनेक्टिव है और ये जोड़ने का कार्य कर रहा है टू सेंटेंसेस। तो ये है कि कार्य शब्दों को जोड़ना, फ्रेजेस को जोड़ना या सेंटेंसेस को जोड़ना। अब देखिए आपके पहला सो, सो का प्रयोग जो है वो कहां पर किया जाता है, अर्थ क्या होता है इसका, तो सो का मतलब होता है इसलिए, सो का मतलब होता है इसलिए, और बाकी में ये सो जो है वो इसलिए प्रयोग किया जाता है, इसका काम होता है सो इज यूज्ड connect those sentences in which one possesses result and another possesses result. So का प्रयोग वाक्य में या ऐसे दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है, so का प्रयोग ऐसे दो वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है जिसमें एक वाक्य में होता है कारण, एक वाक्य में होता है कारण, दो वाक्य आपके सामने है जिसमें एक वाक्य में दिया है कारण और एक वाक्य में दूसरा वाक्य इसके साथ में है उसमें दिया है रिजल्ट। तो इन रिजल्ट और कारण दोनों को जोड़ने के लिए, रिजल्ट वाला वाक्य और कारण वाला वाक्य जो है, इस दोनों को जोड़ने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो होता है सो। सो का प्रयोग रिजल्ट और कारण को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे उदाहरण इसका पैटर्न मैंने बताया है, रीजन उसके बाद सो और फिर रिजल्ट। ठीक है, अब वाक्य हम समझेंगे, आई एम इल, आई कैन नॉट गो टू मार्केट, मैं बीमार हूं इसलिए बाजार नहीं जा सकता, बाजार नहीं जा सकता। कारण क्या है बाजार नहीं जाने का, कि वो जो है वो बीमार,
वह क्या है? मैं बीमार हूं इसलिए मैं बाजार नहीं जा सकता। वैसे शोर नहीं लगाते तो इसका अर्थ होता है मैं बीमार हूं मैं बाजार नहीं जा सकता, मैं बीमार हूं मैं बाजार नहीं जा सकता। तो बाजार नहीं जा सकता इसका कारण क्या है? क्योंकि वह है बीमार। तो ये हो गया रीजन, ये क्या हो गया? रीजन कारण हो गया। और परिणाम क्या हुआ? इस कारण का परिणाम क्या हुआ? बीमार होने के होने का परिणाम क्या हुआ? युवा बाजार में जा सकता। परिणाम ये होगा अगर बीमार है तो इसका परिणाम ये होगा कि वो बाजार नहीं जा पाएगा। तो ये जो है वो रिजल्ट, ये क्या है? रिजल्ट। अब इन रिजल्ट को और रीजन को जोड़ने का कार्य करेगा सो। तो हमारे वाक्य ये बन जाएगा आई एम इल, ठीक है। अब ये फुल स्टॉप तो है, ये अट जाएगा, इसकी जगह पर आ जाएगा सो, ठीक है। वापिस ये आएगा आई कैन नॉट गो टू मार्केट, ये हो गया। क्या किया? क्या फुल स्टॉप हटा करके उसकी जगह पर सो जोड़ा है, ठीक है। ऐसे किसे दूसरा उदाहरण, He is an honest. I like him. वह एक ईमानदार है. I like him. मैं उसको पसंद करता। तो उसको पसंद करने का कारण क्या है? उसको पसंद करने का रीजन क्या है? क्यों मैं उसको पसंद करता हूं? क्योंकि वह ईमानदार है। तो ये जो है वो कारण है, रीजन, ठीक है। और ये तो है उसका रीजन का परिणाम है, रिजल्ट, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने का कार्य करेगा सो, तो बन जाएगा ही इज एन ऑनेस्ट सो आई लाइक हिम, ये बात। इस प्रकार से आपको बहुत सारे वाक्य जो है वो कर सकते हो समझ करके, कोई परेशानी आपके इसमें नहीं आएगी। और मेरा प्रयास रहेगा कि एक बार ये आपके चार कनेक्टिव्स है, कंजक्शंस है, इनको एक बार में एक एक करके करवा दूं, और उसके बाद एक वीडियो लेक्चर में ऐसा डालूं जिसमें आपके इन प्रत्येक में से कुछ सेंटेंसेस जो है कनेक्ट करने के लिए आपके अभ्यास के लिए डालूं, जिससे कि आप उनको समझ करके प्रयास कर सको, सीख सको, कोई परेशानी नहीं आएगी। आराम से अगर ध्यान से आप समझने का प्रयास करोगे तो इसमें आपकी परेशानी नहीं आएगी। बिल्कुल आसान सी बात है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल चीज़ है ये। तो आप प्रैक्टिस करें इसको, इस वीडियो लेक्चर को जो है वो ध्यान से सुने, सो वाला प्रयोग। तो इसमें आपको आज के वीडियो लेक्चर में एक तो आप समझ पाओगे कि कनेक्टिव्स होते क्या है, नेक्स्ट आपके हैं कौन कौन से सिलेबस में, और कनेक्टिव्स का कार्य जो है उदाहरणों के माध्यम से कि कैसे वाक्यों को जोड़ते हैं, कैसे शब्दों को जोड़ते हैं, कैसे फ्रेज को जोड़ते हैं, ये भी आप समझ पाओगे। और इसके बाद सो का प्रयोग किस लिए किया जाता है, कहाँ किया जाता है, और इसका अर्थ क्या होता है, इसका पैटर्न क्या होता है उसमें बिठाने का सेंटेंस में, ये सब चीज़ जो है वो आप अगर ध्यान से इसको देखोगे वीडियो लेक्चर को, तो आपके समझ में आसानी से आ जाएगी। बढ़िया तरीके से इससे प्रैक्टिस करें, इसको सुने, समझे, लर्न करें, और इसका स्क्रीनशॉट आप लेकर के इसको जूम करके बढ़िया तरीके से सुंदर राइटिंग में अपनी नोटबुक में लिखें। तो इसके साथ ही आज का अपना ये वीडियो लेक्चर जो है वो हम यही समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम दूसरा आपका जो कनेक्टिव है
बट उसके यूजेस जो है, उसका अर्थ जो है, उसका पैटर्न जो है हम समझेंगे। थैंक यू।